उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद दूसरा ऐसा जिला है जहां सबसे ज़्यादा बेटियां जन्म ले रही है। पहले नंबर पर प्रयागराज है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि गाजियाबाद में कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है, जिससे बालिका जन्म दर में सुधार आया है। जनपद में बेटों के मुकाबले 182 ज़्यादा बेटियों का जन्म हो रहा है, यानी 1000 बेटों पर 1182 बेटियों का जन्म हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कन्या भ्रूण हत्या के मामले पाए जाते रहे थे पूर्व के समय में, और जिसके रोकथाम के लिए जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत जिला प्रशासन गाजियाबाद द्वारा समग्र प्रयास किए गए हैं, इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप इस तरीके के मामलों में कमी आई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में गाजियाबाद दूसरे स्थान पर आया है, दूसरा सर्वाधिक जो बालिकाओं के जन्म दर वाला जिला बन के उभरा है। सर, क्या कुछ आपके द्वारा प्रयास किए गए जिससे कि भ्रूण हत्याएं कम हो या फिर लोगों में जागरूकता फैले बेटियों को लेकर? विभाग द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर बेटियों की शिक्षा और उनके जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। जैसे अवैध रूप से गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जांच करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर छापामारी की गई है। जो मुखबिर योजना के तहत अभियान चलाकर ऐसे सेंटर्स को फाइंड आउट किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। बेटियों को के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए बेटी का नाम घर की शान नाम के कार्यक्रम चलाए गए, पूरे शहर में स्कल्पचर लगवाए गए, बहुत सारे स्कूलों में और विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, नेस्टिंग डॉल्स बनवाई गई ताकि बच्चों को बेटियों को जन्म को प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही बेटी बेटे से कम नहीं होती है इस धारणा को स्थापित करने के लिए मेरी बेटी मेरा कुलदीपक नाम का अभियान चलाया गया और इस तरीके से बहुत सारे वृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाकर बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। सर, बात अगर ग्रामीण क्षेत्र की करें तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना आपके लिए बड़ी चुनौती थी, तो क्या कुछ वहाँ माध्यम रहा आपका? ग्रामीण क्षेत्रों में हाँ, प्रारंभ में चुनौती आई, लेकिन जिला प्रशासन के प्रयासों से DPRO के माध्यम से मिलकर हमने ग्राम प्रधानों को सेंसिटाइज किया, गाँव में बेटियों को की कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आंगनबाड़ी सेंटर्स का सहारा लिया और उनके माध्यम से एक जागरूकता का माहौल बनाया गया कि ऐसा माहौल हो कि अगर कहीं पर भी इस तरीके की कोई सूचना मिलती है तो हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। और उसका समग्र परिणाम हुआ कि जो फैमिली हेल्थ सर्वे 2020-21 आया उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस निकल गया है। सर, बात अगर इससे पहले भी करें तो इससे पहले क्या रैंकिंग थी गाजियाबाद की? इससे पहले गाजियाबाद की रैंकिंग 1000 में 850 थी और वर्तमान में जब 2020-21 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिजल्ट आया है तो उसमें 1181 हुआ है। 1000 में।